देश भर के साथ साथ गाजीपुर में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। कोरोना संकट से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का भी खास महत्व है। आपने हमारी पिछली रिपोर्ट्स में गाजीपुर के कोरोना प्रभावित इलाकों में छिड़काव करने की तस्वीरें देखी होंगी। दरअसल ये सैनिटेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत कोरोना से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब गाजीपुर जिला चिकित्सालय को सैनिटाइजेशन के लिए खास मशीन दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने बैटरी चलित सैनिटाइजेशन मशीनें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि आज जब देश इस संकट से जूझ रहा है तो सभी को एकजुट होकर इसके समाप्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जिला अस्पताल के महोदय के द्वारा हम लोग से जिला अस्पताल को सैनिटाइजन करने के लिए दो मशीन मांगी गई, जो कि अभी शहर में थी नहीं, हमने सैदपुर से मंगा के उनको तुरंत तत्काल उपलब्ध कराई, जिससे कि वो जो जिला अस्पताल है उसको तुरंत वो सैनिटाइज करा सके। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि जिला चिकित्सालय में सैनिटाइजेशन करने के लिए दो दवा छिड़काव मशीन की मांग की गई थी। जनहित की रक्षा व सुरक्षा के लिए तत्काल संज्ञान में लेते नगर पालिका ने दो बैटरी चलित मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है। मैं सामने गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय खड़े हैं। इन्होंने मुझे पत्र भेजकर निवेदन किया कि गाजीपुर नगर पालिका की तरफ से दो सैनिटाइजेशन के लिए पिट्ठू वाली मशीन अगर उनको उपलब्ध हो जाएगा, गाजीपुर में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, हम हॉस्पिटल को ठीक से सैनिटाइज करा सकते हैं। उन्होंने पत्र भेजा था, कल हमारे ऑफिस में रिसीव हुआ है। तुरंत आकस्मिक रूप से इस सामान की व्यवस्था करा के आज ही हम ऑक्सीजन उपलब्ध कराए हैं। जनहित का मामला जुड़ा हुआ था, गाजीपुर में लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं, दुर्भाग्य से इस समय 15 केसेज हो गए हैं और गाजीपुर की चुनौती बढ़ती जा रही है। इसलिए नगर पालिका ने तुरंत निर्णय लिया कि हम तुरंत गाजीपुर के जिला चिकित्सालय को दो मशीन भेंट स्वरूप उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में ये दो मशीन दी गई है ताकि गाजीपुर में सैनिटाइज के बारे में कहीं कोई पीछे न रहे और कोरोना के वर्तमान स्थिति से ठीक से निपटा जा सके। इस मशीन के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक निसार अहमद ने सरिता अग्रवाल सहित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करके धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मौके पर राज बिहारी राय, सुनील गुप्ता, सभासद कुंवर बहादुर सिंह, शेषनाथ यादव, अशोक मौर्य, संजय कटियार, अजय राय दारा, रूपक तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, जिला आईटी संयोजक कार्तिक गुप्ता, साकेत सिंह सहित आदि अन्य लोग उपस्थित रहे।